वेलकम टू माई लॉकअप। आठवें हफ्ते में लॉकअप सीजन वन को मिल गया है उसका पहला फाइनलिस्ट, जो कभी बैडएस बना तो कभी जोकर, कभी शायरी करके लुकागिरी भी की और लोगों को भी हंसाया और हर जगह अपनी गेम दिखाई, एकदम बूम बाम एंटरटेनिंग। लॉकअप सीजन वन का पहला फाइनलिस्ट बना सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा। इस हफ्ते दो कैदी लॉकअप से लॉकआउट हुए, करणवीर एंड जिशान। आई थिंक करणवीर डिजर्व्ड अ बेटर फेयरवेल, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉकअप जिंदगी की एक रिफ्लेक्शन है और जिंदगी में कभी कुछ वार्निंग के साथ नहीं आता, यूं ही झटके से आता है, तो लॉकअप में मिला करण को बहुत बड़ा झटका। इस शो का एक रूल है, मुंह चलाओगे तो चल जाएगा, अगर हाथ चलाओगे तो निकाले जाओगे। बदतमीज जिशान आ गया आजमा के प्रोवोकेशंस के चक्कर में और खुद ही हाथापाई करके शो से हाथ धो बैठा। प्रोटीन आजमा पे फेंका मगर मेरे जेलर ने आकर उसी की ही चर्बी निकाल दी और हुकुम के इक्के के आते ही सारे पत्ते यहाँ वहाँ बिखर के रह गए। प्रिंस ने इस हफ्ते इतनी आवाज़ उठाई कि खुद की ही आवाज़ बैठ गई, लेकिन दूसरों के गले भी खोल दिए और उनकी गेम भी। मगर लॉकअप का विनर एक होगा और वो जो भी होगा, बैडएस होगा, धाकड़ होगा। इस हफ्ते प्रिंस सेफ था, शिवम को फिनाले वारंट मिल चुका है और पायल को पहली बार किसी ने दोस्ती दिखाकर चार्जशीट से बचाया है और बाकी सब अभी भी चार्जशीट में है। नाइन्थ वीक शुरू नहीं हुआ और इनके असली चेहरे बाहर आ गए हैं, आइए देखिए। जब भी मैंने तुझे अंजलि की बात बताई है, तब मैंने तुझे किस तरीके से बताई और क्या बताई है, मैंने हमेशा ये बोला है कि तू बहुत इमोशनल हो रहा है, बंद कर अभी। यू वर लाइक नो शी इज नॉट, शी इज जेन्युइन, शी इज दिस दैट। मैंने हमेशा तुझे क्या बोला, नो वो जेन्युइन होगी जो भी होगी, लेकिन वो अब इंडिविजुअल खेलने लग गई है, तू कब देखेगा, तू कब समझेगा, बराबर। तो फिर नेक्स्ट डे शाम को, मतलब कल शाम को, तुम दोनों हंसी मजाक जो भी कर रहे थे, आई सो दैट यू ऑल आर बैक टू नॉर्मल टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड ऑल ऑफ दैट, यू हेल्ड हर हैंड। तो मैंने इसको सिंपल शब्दों में साइड में ले जाके बोला कि तुम लोग की दोस्ती है वो ठीक है, लेकिन लुक एट इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि अगर मेरा गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे देखे तो उसको शायद ये पसंद ना आए। वो बात हो रही थी, तब ये मुझे आके बोलती है कि मुनव्वर ने मुझे बोला है कि डोंट ट्रस्ट साइशा। So I was like, he is told exactly the opposite of that to me, yeah. that I don't, that you don't trust her, but uh-huh. you trust me. Uh-huh. So on one hand, you're telling her you trust me. Uh-huh. On one hand, you're telling her you don't trust me and you don't trust her. So you, I don't know what you are saying. Ek minute. पहली बात तो ये, पहले किसने बोला ये बात कि trust मत करना? इसने बोला तेरे को? हाँ. हाँ, तो मुझे बात याद नहीं हम लोग की क्या चल रही थी, but मैंने उसको कुछ चीज़ में बोला. बोला ना? हाँ, क्योंकि मुझे लगा तेरा और प्रिंस का जो चल रहा है, जो हिसाब से तू और प्रिंस जो तू कर रही है, तो तू केवी के साथ भी करती थी, वो मेरे को दिखाई दे रहा है। केवी के साथ भी करती थी? नहीं, मैंने केवी के साथ कुछ नहीं किया है। मैं कहा मेरे साथ हुआ, मैं किस पे ट्रस्ट करूं, मेरे को समझ नहीं आता किस पे करूं किस पे नहीं करूं। नहीं आ रहा है रात तो मैंने गुस्से में बोला, बट तेरे को अगर मैं कुछ बोलता हूँ तू जाके ऐसे ये करने वाली है इस तरह जाके कि मुनव्वर ने बोला कि साइशा पे ट्रस्ट मत करना, तो ये तुझे बताना था अगर उधर, तो ये तू कौन सा गेम खेल रही है? तूने मेरे को उसकी अगली रात बोला है क्या ये चीज, डोंट ट्रस्ट शाइशा? कल बोली मैंने तेरे को ये बात, उससे पहले की बात है ये। क्या जो हम दोनों दोपहर, तू मुझे दोपहर शाम को जाके बोली? हाँ। तो तुम लोग ने कब बात की मुझे पता नहीं। दोपहर अपनी बात हुई है, तो तूने इसको शाम को बता दिया कि मुनव्वर ने ये बोला? मैंने बोला तुझे मैं क्या बोली हूँ, मैंने तुम दोनों के हाथ पकड़ने के ऊपर बोला था कि ये बाहर कैसे दिखने वाला है, मैंने वो बोला था। फिर तू मुझे बोली अंजलि, नाउ डोंट टर्न अराउंड। मैं एक चीज अभी ओन अप करना चाहता हूँ कि मेरी गलती हो गई कि मैंने पहले तेरी बात नहीं सुना। ये लोग दोस्ती की दुहाइयां देते हैं और खुद एक दूसरे के पीठ पे छुरियां भोंकते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने दोस्ती नहीं कमाई। ऐसी दोस्ती कमाने से सम्मान कमाना जब भी जिससे मिले वो बेटर है। तूने मेरे को बोला कि तुम जब तू बाहर आया था ना, मिलके मेरे ऊपर ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? तूने जो बोला वो मैं बताऊं? मैंने जो था सीधा वापस बोल दिया। क्यों, जब तू बाहर, हम दोनों वहां बैठे थे अभी रात को, तब मैंने बोला हाँ मुझे साइशा ने तब पहले भी बोला हाथ पकड़ने वाली बात। पर उसमें मैंने एक सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी, तभी भी मैंने मैं जल रही हूँ ऐसे वैसे कुछ नहीं बोला था। जलने वाली बात कहाँ से आ गई? इसने मुझे बोला जलने वाली बात आ कहाँ से गई? उसको जलन होती है, उसने रिएक्ट किया। ये क्या बात हुई, जलन होती है ये क्या होती है? जलन वर्ड यूज नहीं किया, बट तूने जो वे में बताया मैं वर्ड, हाँ तो प्लीज ये वर्ड्स यूज मत कर। तू तो वर्ड्स यूज करने की बात करी मत,
बात चल रही थी कुछ नॉर्मल ना, उसने बोला तू जब बाहर आया था ना हाथ देखने, बोला कब, बोलो मेरे को लगा तू हाथ देखने के लिए जब बाहर आया। तूने बोला साईशा ने क्या रिएक्ट किया? मैंने नहीं पूछा, तूने बताया, मैं क्यों पूछूंगा उसने क्या रिएक्ट किया, मेरे दिमाग में थोड़ी था। तो उसने बोला कि मेरे को दिखाने के लिए कर रहा है, तो मैं ऐसे, मेरा अगर वो इंटेंशन नहीं तो भड़कते ना, मतलब पागल हो गए क्या, मतलब तेरे को लगा इसलिए देखने आया था, उसको जो लगता है लगने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पूछ। अंजलि का फेस वॉश था याद है पायल? उसको मैंने बोला। वाओ। बाथरूम में पड़ा था, मैं नहा रही थी, तो मैंने उससे अपने कपड़े धोए ताकि OMG अच्छी फ्रेग्रेंस आए। जब से मैं आया हूँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक ही बात पे लड़ रही हो, तुम्हें कुछ बोलती है या इसको कुछ बोलती है, ये तुम सबको पता होता है। आई थिंक कभी कभी तुम्हारी लाइफ इंडिविजुअल है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जो लाइफ जो बात तुमसे हो रही है वो तुमसे हो रही है। yes. नहीं होती ना ये चीजें यहाँ पर। yes. नहीं, 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 अगर तेरे साथ कुछ बात होता है अंजलि, भरोसा मत करना, तुमने मेरे को आगे खाने की बात कोई मुनावर तुमसे बात कर रहा है अपने तक रखो, तुम्हें जो करना है उसके बाद वो तुम सोच के करो, ये तुम्हें जो बोल रही है तुम अपने तक रखो, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो। अरे प्रिंस, और मैं इसके लिए हर बार बोल रही हूँ, इसको भी इसके लिए हर बार बोल रही हूँ, जो मैं इसको बोल रही हूँ वो इसकी बुराई करके नहीं हो रही है, जो मैं इसको बोल रही हूँ इसकी बुराई करके नहीं हो रही है, पर इन लोगों को भी एक दूसरे को क्या कुछ बोलना है तो बोले। आपको हर चीज क्लियर करने की जरूरत नहीं है प्रिंस, सीरियसली, और भी बहुत नहीं, और एक दो और बातें हैं। गुस्से में कोई आता है, हर बार मुझे ये बताया जाता है कि मत बता अपने पे रख, खुद ही जाके एक दूसरे को बता देते ये दोनों। और भी है दो तीन चीजें, हर टाइम दोनों मेरे को बोलते हैं कि तू किसी को मत बताए, ट्रस्ट यू, और खुद ही जाके एक दूसरे को बता देते हैं। आप दोनों से बात करना छोड़ दो, सीरियसली मैन। आप पूनम, अंजलि आ जाओ, खाना खा लो पहले, खाने पे नहीं चलता, खाना का वेट नहीं कराते, खाने का इंतजार नहीं कराते। प्रॉब्लम मेरी है, गुस्सा मुझसे ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट करने की जब भी बात आती है तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट करना ही क्यों है, साला ट्रस्ट करो ही ना तो प्रॉब्लम ही ना हो। मैं इस पर नहीं ट्रस्ट करता हूँ, जानता हूँ, बट ये खुद ट्रस्ट दिलाती है और ये हरकत करती है पीठ पीछे जाके, एंड कहीं ना कहीं मुझे, मेरे लिए भी बेनिफिट है कि साईशा, पूनम, अंजलि एक साथ ना हो, बट ये तो जाके लाई लगाई कर रही है, फितना बोलते इसको, फितने लगा रही है, साला दुआ दो मेरे को, तुम्हारे को अब छोड़ो जाने दो, बड़ी बात से तौबा, घंटा समझ कुछ नहीं आता तब चीज़ें समझाइए, बट ये दोस्त के नाम पे साहब तू रहना बच के, गेम ही खेल दिया इन्होंने तो। बस भाई बस, हो गया, चलो बैक टू द मीनेस्ट, सबसे मीन भाड़ में गया। उसका पता है क्या मैंने जहाँ तक सेंस किया है, उसको ना सबको बातें बता के गुड बुक्स में रहने। उसने बोला कि प्रिंस ने बोला कि मुनव्वर का उड़ाने, तेरा उड़ाने प्रिंस ने बोला कल रात में भाई। मैंने अच्छा, मेरे सामने लिया, बुला उसको सामने, ठीक है, मैं तो मुंह पे बोलूंगा। मैंने उसको बोला जो तुम्हारे बारे में, मैं कहा तेरी लाइफ में कोई है, कहती हाँ, मैं लाइफ में कोई है, हाँ, मैं तुम्हें मुंजली के साथ बाहर जाना है, कह रही नहीं, तो मैं इंडिविजुअल गेम खेलना, मैं क्या बोलते कब तक आगे लेके जाएगा, मैं कहने तो तू पीछे रह जाएगी और वो आगे जाएगा ना। Exactly, मैंने बोला सेम, कैसी हाँ, मैंने कहा तुझे क्या करना है अभी, किसको लगाना है वो तेरी मर्जी है। उसने आती इस पे लगाया, तो कहती मुझे इस पे लगाना, मुझे गेम खेलनी है, तो अपुन क्यों बोलेगा भाई किस पे लगाने का है, तो देन ऑन दैट शिट बराबर। मुझे तो पता है ना कि बाहर मेरे को मुंजली के वजह से लोग नहीं जानते होंगे, भले उसको जानते हो, बट मुझे पता है ना, तुम लोगों ने देखा है ना मुंजली के सिवा भी मेरा गेम। एक मिनट अंजलि को बुलाना यार, एक मिनट बुलाना, मैं तो मुंह पे क्लियर करने वाला हूँ, एक मिनट रुक भाई, यही बुलाना, हाँ यही बुला रहा हूँ। अंजलि एक मिनट आना, अभी देखिए जो प्रिंस बात करेगा ना वो देख, तेरा नाम लेगी, मेरा नाम लेगी, गारंटीड। अगर तुम्हारी इतनी खास दोस्ती है
ठीक है, इतनी खास दोस्ती है कि तुमने मोंजली नाम फेमस कर लिया है, तुम इतना ट्रस्ट करते हो एक दूसरे पे, तो फिर मेरे जैसे 100 भी आए ना, तुम हिलने नहीं चाहिए। नहीं, फिर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, वो अगर तुम हिल रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी नींव कच्ची है। वो नींव कच्ची थी ना भाई उधर, वो नींव कच्ची उधर की दिखी, इसीलिए वो रिएक्शन था भाई। ये साइड से नींव कच्ची नहीं थी। हाँ जी, जिस दिन हमने ब्रिकुला टास्क था, हाँ जी, उस दिन मेरी आपसे बात हुई थी, क्या ये बात उस दिन हमारी स्टार्ट हुई थी कि तुम्हारा नाम मुंजली बार जा रहा है, ठीक है ना, और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा नाम मुंजली बार जाए, और आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने आपको बोला कि आप स्मार्ट मूव कब लोगे, मैंने आपको ये तो नहीं बोला था कि आप मुनावर के लगाओ, वो आपका खुद का फैसला था, मेरा था, खुद का था ना। मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, मेरे सामने करा ले, फुटेज निकलवाओ और दिखाओ मैंने क्या बोला। रात में मेरे को बोला प्रिंस ने बोला मुनावर का होगा, और तुम बोलो कि प्रिंस ने मेरे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग कराई, तो इसने मेरे को बताया कि प्रिंस ने बोला कि मुनावर का होगा। बातों में आ गई थी सम शिट, नो व्हिच आई थॉट वाज टॉकिंग अबाउट मी। हां, मैं बातों में आ गई थी। मेरे लिए वो कौन सा रिश्तेदार है भाई, ना मैं उसे डरता हूँ, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरे को कोई ऐसा है कि मेरे को आज तक बहुत कुछ उसने मुनावर ने दिया कि मैं बोलूं कि नहीं तुम्हें मुनावर का साथ देना, मैं तो मुंह पे बोलता हूं। हां ठीक है, मैंने यही बोला था। क्या फिर आपने मेरे बारे में ऐसे गलत क्यों बोल दिया? क्या ठीक है, नहीं वो पूछ रहे सवाल, जवाब देना अंजलि। ऐसे आप गलत लगोगे, अगर आप सच्ची हो तो आप बता सकते हो। क्या दूंगी टाइम पे? दूंगी टाइम पे, अच्छा। मैं गेम इंडिविजुअल करने आया हूँ। अभी अभी एक लफ्ज निकला उसके मुंह से, सच्ची होती तो एक्सप्लेन करते हैं। भरोसा टूटा है लोगों का। वो अभी टूटा है, वो तो दो तीन दिन पहले तो नहीं टूटा था मैं वो वाले टास्क में। क्या भरोसा टूटा है लोगों का? वो नकली लोगों का जो दोस्ती की नकली दुहाइयां देकर शो में आगे जाते हैं और सामने वाले कैदियों की धज्जियां उड़ाते हैं। सब बिखर रहा है। अच्छी बात है, ये तो बताओ कितना बिखर चुका है मुनव्वर और किसका? 50% 70% वो 11 मिलियन वाली, उसका आज तक जो भी वजूद था वो किसी और के कंधे पर था। उसका खुद का कोई वजूद नहीं है इस शो में, क्योंकि अगर मुंजली नहीं है तो उसका कुछ भी योगदान नहीं है गेम के अंदर। यस अली, मैं तेरे को कुछ बोलूं कि साइशा पे भरोसा मत करना, तू 10 मिनट बाद साइशा को बताएगा ये? पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है, लेकिन मुझ पे आया तो ऐसी धमकी मत दे, बता दे। धमकी नहीं दे रही हूँ तेरे को, तू मेरे से ऐसे बात मत कर बच्चा। तूने मेरे से बात मत कर ऐसे, तूने साइशा को झापड़ लगा के मैं खुद से इस गेम से निकल जाऊंगी, दो झापड़ मार के तेरे को। मेरे से ऐसी बात मत कर, तू बच्ची की तरह, तेरे को मैंने प्यार किया है। डोंट यू डेयर धमकी वमकी मत बोल मेरे को, तू धमकी वमकी मत बोल। वेरी गुड साइशा। बट जब हम दोनों को पता चलेगा कि तू हम दोनों का ट्रस्ट जीतने के लिए हम दोनों की बातें एक दूसरे को घुमा रही है, तो ये रिएक्शन आएगा। जो इंसान तुझे बोल रहा है तू दोस्ती के लायक नहीं है पायल रोहतगी, दिखा दी इसने दोस्ती क्या होती है, तो बस बात खत्म। तो फिर मैं तो नैरेटिव को अटैक करूंगी खुद को साफ करने के लिए, खुद की इमेज साफ करने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये खुद की इमेज साफ करने के लिए हो रहा है ना, कि तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। हाँ, तो फिर वो जो दो बातें है ना, जो साइशा कह रही है कि मैं इसको बताऊं, मैं इसको जाननी भी नहीं है। नहीं, मैं बताती हूँ ना तुझे कि वो दो बातें कौन सी है। बताओ, ये जो तूने बाहर हैशटैग लिखा, ठीक है, उस दिन स्मोकिंग एरिया में हम दोनों की ये बात हुई, मैंने कहा यार वो ना थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो मैंने वो उसको शेयर की ये चीज़ कि यार वो दिखावा कर रहा है क्या, मैंने ये चीज़ उससे शेयर की। सुन, तू मुझे बताती तो मुझसे पूछ लेती। हाँ तो पूछा ना कल रात को, तूने बोला ना डेट वॉज योर टास्क। वो तो मैंने तेरे को सामने से बताया। मुनव्वर, मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं है। रोना बंद कर पहले, रोना बंद कर। तुमको मेरा ट्रस्ट चाहिए, पायल पूनम का ट्रस्ट चाहिए, मुनव्वर का ट्रस्ट चाहिए, लेकिन तुम हम तीनों का एक एक करके ट्रस्ट तोड़े जा रहे हो। तो वही तो, और फिर सबके साथ बैठ के तुम and now she'll cry and I like a chutia again will go and hug her, but then that is your problem, no? जब भरोसे की बात हो रही थी मैंने उसको बोला लस्सी, जब वो उसकी फोटो आई ना सैटरडे को, वो मुझे पता है मुझे कितना हर्ट हुआ, बट स्टिल मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैंने जाके उससे एक बार भी नहीं पूछा, मतलब अगर मैं बवाल बनाना चाहूं दोस्ती का तो मैं बना सकती थी। वही तो, तू कैसे बवाल बना सकती? मैंने वो बात तो किसी को नहीं बोला। exactly. तू कैसे नाराज हो सकती? वही चीज उन्होंने मेरे को आगे से क्या बोली, तेरे को बनाना चाहिए था। किसने? तूने करा क्यों नहीं? साइशा और पूनम। हाँ, मैंने मुझे पता है। तो मेरे को तू ये बताती ना कि ये तेरे को ये बोल रहे, मैं उसी वक्त जाके उखेड़ता ना उनको।
तब तेरी मेरी बात नहीं हो रही थी। कब की बात है? कल की। और मैंने तेरे को इस वे में नहीं बताया था कि तू जाके प्रिंस को ये बोल कि मैंने तुझे भड़काया। मैंने प्रिंस से वो वे में नहीं, मैं प्रिंस उसने जो मुझे बोला वो नहीं एक्सेप्ट करेगा ये चीज। नहीं करा ना, दिख गया तेरे को? मुझे तो पता ही है, मैंने कल रात को तेरे से इसीलिए शेयर किया। दिख गया ना तेरे को? वो करेगी, वो करेगी। उठ, हाँ तेरे से कुछ बात करने की। बाप रे, कुछ बात तो है तेरे अंदर, कुछ बात तो है तेरे अंदर। क्या हो? कुछ तो है तेरे अंदर कि सर इतने इतने कांड करने के बाद भी ना तेरे से नाराज नहीं रहा जाता। कुछ तो तू करती है। क्या करा मैंने? देख, मैंने तो प्रिंस को भी बोला, वो मैं रोक सकता था बट रुक नहीं पाया क्योंकि मैं गुस्सा था, उसके लिए आई एम सॉरी। प्रिंस जो करता है करने दे, प्रिंस जो बताएगा मेरे को बता, प्रिंस मेरे को बताएगा मैं तेरे को बताऊंगा, बट अब एक दूसरे पे ट्रस्ट करने का टाइम आ गया है। मैंने तेरा एक भी बार नहीं तोड़ा, तूने मेरा 2-3 बार तोड़ दिया, समझ लेंगी। मैं रोज तेरे से प्रॉमिस नहीं ले सकता, रोज सुबह उठ के भरोसा मत तोड़ मेरा। क्या क्या? ठीक है। फिर बोलेगी मैं तो कुछ बोली थोड़ी थी, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। ऐसे नहीं कर, प्रॉमिस 3 बार प्रॉमिस। मैं भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी, बोल। प्रॉमिस। हाँ, अब मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ठीक, बस बस बोलने से मान गया? हाँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ ना तेरे पे इसके लिए। मेरा साहिशा को लेके भी ट्रस्ट था ना, साहिशा ने भी तो उसको हेल्प की। हाँ, तो फिर मैं आपको इतना बता, तो सेम टाइम मैं अभी राइट नाउ आई एम नॉट ट्रस्टिंग ये। बाकी लोगों को तो करता ही नहीं था, दो लोगों को करता था, मैंने दो लोगों को ट्रस्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं और ज़्यादा बेवकूफ़ ऑडियंस की नज़र में नहीं दिख सकता। तुमने मेरे को यहाँ पे परेशान किया है, मैंने तुम्हारे को परेशान किया है। हाँ किया है, बराबर। हाँ, हैरान कर दिया, आज तक पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, करीना में मेरे बॉल को डक्का मारते हो। अब सोचो, जिसने मेरे को ये लेवल पर हर्ट किया होगा मैं उसको छोड़ूंगा क्या? देखती हूँ मैं, मैं भी ये बात क्यों कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि उसके फैंस देखे। मेरा ऐसा है कि मैं उसको पता भी नहीं चलेगा और उसको ये हो जाएगा, और क्या पता मैंने जो कर रहा हूँ वो शुरू हो चुका है। वो तो तब से ही हो चुका है, उस रात से ही शुरू हो चुका है कि मुझे जो करना है। आई विल मेक श्योर ना कि जो झटका मेरे को आया है वैसा ही झटका सामने वाले को लगे और उसको पता भी ना चले। तो देख लिया आप सभी ने इन लोगों का असली चेहरा, चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी एपिसोड्स देखे इस हफ्ते, आई जस्ट कैन नॉट गेट मंडे एपिसोड आउट ऑफ माई माइंड। उसने मुझे इतना बैडली अफेक्ट किया है, और उसमें जो हुआ इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू वॉच। तो मैं सबसे पहले आई विल एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम ओनली, जो मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त पे, और वो यही है कि आजमा, आपके साथ जो हुआ और जिस तरह का वर्ताव हुआ, जबकि मैंने कहा था आपको कि मैंने आपको वादा भी किया था सब लोगों को कि कोई भी किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं करेगा इस जेल में, आई एम रियली सॉरी, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। और मैं आप सबको जो उस दिन इन बातों को लेके बार बार कह रहे थे कि इसने भी प्रोवोक किया, इसने भी प्रोवोक किया, लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग, और जिसके लिए ये रियलिटी शो होता है, इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि ह्यूमंस एंड उनके जो इमोशंस होते हैं, एसेंशियली व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रोवोकेशंस जो है वो सिर्फ एंगर नहीं है। जब भी कोई इंसान किसी को मर्डर करता है आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, तो वो भी प्रोवोक हुआ होता है। कोई किसी को रॉब करता है, क्यों? क्योंकि भाई तू क्यों अमीर है तो मैं तुम्हारा चुरा लूँगा, उसकी ग्रीड भी प्रोवोक होती है। तो जब आप ये सब मिलके ये कह रहे थे कि इसने भी प्रोवोक किया, इसने भी प्रोवोक किया, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो आजमा को सुनाया गया, जितनी तरह की बातें इन्होंने जो बात कही कि तेरी गर्लफ्रेंड सिफारिश करती है, इट्स अ वेरी डबल मीनिंग वे। सिफारिश इज़ एक तो सबसे पहले डेरोगेटरी वर्ड है नहीं, इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन।
ऊपर से यहाँ पे जो भी कैदी आए होते हैं प्रिसाइसली प्रोवोक करने के लिए ही आए होते हैं. ये शो इज अबाउट प्रोवोकेशंस. परफेक्टली करेक्ट. और किस तरह की बातें वो हो रही थी. जिशान हैज डिसअपॉइंटेड मी सो मच. मैं तुम्हें बीच से काट दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा. ऑब्वियसली जिशान को इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज हैं, वो खुद ग्रस्त हैं इससे, उनको वो देखना चाहिए. पर मैं आप लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ. प्रिंस मुनव्वर तुम वहां, ये जोक करने का टाइम था. हाँ, कुछ बोलना चाहूंगा उसके लिए. पूनम इतना हंस रही थी, सायशा और अंजलि तो उसके बीच में घुस ही गई. अंजलि तो इंसर्टेड हर सेल्फ इन टू द सिचुएशन एंड शी गैग्ड हर 2-3 times. और आपको मैंने 3 warnings पहले भी दी थी जी मैम, कि कोई भी वायलेंस किसी के साथ नहीं करनी है. बट रिपीटेडली आप उस वार्निंग को जो है इग्नोर करती हैं और फिर से आप दूसरों के मामले में जाके आप उसको फिजिकली असॉल्ट कर रही हैं. और ये मुझे बात समझ नहीं आती कि ये आजमा के ऊपर क्यों. और जिशान के लिए भी बहुत कन्वीनियंट था, उसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन इतने लोगों के साथ हुई. और जब प्रिंस जो है आजमा को, मैंने वो एपिसोड देखा है, वो हाथों से इशारे कि तू कैसे पैसे कमाती है हम सबको पता है, तो शी गॉट प्रोवोक्ड और उसने भी सामने से बोला आप लोगों के बारे में. बट शी नेवर क्रॉस्ड अ लिमिट. उसने तो डबल मीनिंग चीज़ें बोली. इट इज़ सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन कि तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो सिफारिश करती है. इट इज़ सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन. और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर प्रिंस जेल में आया है और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड जेलर बन रहा है, सबको ड्यूटीज असाइन कर रहा है कि आप ये करो, आप वो करो, ये करेगा, वो करेगा. आई लाइक द फैक्ट आजमा डिड नॉट टेक हिज अथॉरिटी, शी क्वेश्चन्ड हिज अथॉरिटी. ये उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ कहता है कि भाई या तो somebody has to tell me कि why are you, everybody वो सब भेड़ चाल चले. हाँ ठीक है भाई, तुम आए हो, तुमको हुक्म का इक्का कहा है. तो डेफिनेटली एक तो प्रिंस ने अपनी मर्जी से जो उनको सीक्रेट टास्क बताए थे उनमें से आधे उन्होंने खुद बना के आप लोगों को दिए, which could be his game also. मैं कुछ बोलना चाहूंगा, please. Let me finish first. Yeah, please. तो she questioned his authority. और जो सब आकर उस पे पड़े हैं, जिस तरह से इसको असॉल्ट किया गया है, this is exactly we should discuss on these platforms and we should condemn. कि जो प्रोवोकेशंस होती हैं हमें लाइफ में मिलती है, हर जगह मिलती है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं. जब हम किसी को अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं, अपने से ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, अपने से ज़्यादा कैपेबल देखते हैं, कॉम्पिटेंट देखते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसके पास उसके अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोवोक करेंगे, अपनी जेलसी को प्रोवोक करेंगे, अपनी इंस्पिरेशन को प्रोवोक करेंगे. एवरी टाइम वी आर गिवन अ चॉइस बाय लाइफ, व्हाट चॉइसेस डू वी मेक. तो ये जो आप लोग कह रहे हैं ना बार बार, सायशा तुमने ये बहुत यूज किया कि प्रोवोकेशंस की भी लाइंस होनी चाहिए, क्या कोई लाइन नहीं है यहाँ पे? ये बहुत ही गलत मेंटालिटी आप लोगों ने इसमें दिखाई है. और सबके रंग निकल के आए हैं बाहर, और अगर सबके रंग निकाले हैं तो आजमा ने निकाले हैं. वी एज शो मेकर्स वी थिंक शी इज डूइंग हर जॉब वेल, क्योंकि कई कई लोग तो 7-7 हफ्ते से अपने रंग छुपा के बैठे हैं जो खुल के आए इसमें. प्लीज कैन आई से समथिंग? यस से. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने आजमा से उसके लिए बहुत सॉरी फील किया. एक बार नहीं, कम से कम 50 बार. वो मेरी गलती है, एक गलती जो मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ पर जीशान को क्यों नहीं रोक पाया, क्योंकि आई डोंट नो, मेरा सेकंड डे था और मुझे नहीं पता था कि जीशान हिट कर देगा. क्योंकि आप देखोगे 5 केस में 3 केस में मैं तो हुई नहीं, 2 में हूँ जहाँ पर मैं पीछे बैठा हूँ, और जब तक मैं पहुँचा तो वो हो चुका था. तो मेरे हाथ से वो बात निकल चुकी थी. आई नो मैं वहाँ पे जीशान को धक्का क्यों नहीं मार पाया कि तू इसको तूने हाथ टच कैसे किया, वहाँ पे मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, और मैंने उसको सॉरी भी बोला है. पर यस मैम, दूसरी बात बोलोगे आप, बोलोगे जैसे आपने बोला कि टास्क, वो मेरे को टास्क दिया सीक्रेट टास्क, अगर मैं सबको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा तो जो जिनको दिया है उनको पता लग जाएगा कि वो मेरा टास्क है. दैट्स अ रीज़न वो मेरे को प्लान जैसे करना है मैं वो करूँगा. मैंने क्या बोला कि दिस कैन बी योर स्ट्रेटजी, तुमको खेलने से कोई नहीं रोक रहा है, बट शी कैन क्वेश्चन योर अथॉरिटी 100 times. उसमें आज पूछो आजमा से, मैंने आजमा को आज तक उसके बाद कितनी बार उनका हक बनता है. आई ऑलवेज टेल हर कि आजमा तुम व्हाई आर यू बिकमिंग द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस जेल. तो ये धमकी देते आपका बैग फेंक दूंगा, ये कर दूंगा क्वेश्चन करने पे. वो मेरे ऊपर है ना बाबा, वो मुझे फेंकना वापस आ देगा अगर आना होगा ना. कैन आई से समथिंग? पायल तुम्हारी बारी आएगी. तुमने और शिवम ने, यू गाइज दी ओनली वंस हु
helped her and who empathized with the situation. आप लोगों के reactions were very good, were exemplary. और अगर मैं होती वहाँ पे तो मेरे भी वही reaction रहते थे. जब भी कोई भी किसी को assault करता है, हम लोग कोई chief justice of India नहीं है decide करने का ये case के हाँ ये यही सजा जो है वो deserve करते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं उस मामले को वहाँ पे वो physical harm नहीं होना देना चाहिए. And then we can settle it amicably. This is what the reaction should be. Anjali, I want to come to this point कि तुमने बार बार जो है मेरी हर warning को ignore किया है और तुमने इस ये लड़ाई जो कि तुम्हारी थी भी नहीं, तुमने अपनी frustration, अपना grudge, अपनी desperation निकालने के लिए most convenient target को जाके gag किया. So I think it is shameful और मैं आपको solitary confinement की सजा देती हूँ until further notice. Munawar, yes. आपने इस हफ्ते बहुत आंसू बहाए, हाँ, हाँ, और जो हमने पिछ जो आप पूरा संभल के चल रहे थे ना, खुल गए आप पूरी तरह से. आपने जो है वो सी आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग इस गेम की है उतनी किसी को नहीं है. और आप जो है हमेशा ही कहते हो कि मैं तो गेम खेल रहा हूँ. और इनफैक्ट डोमिनोज वाले गेम में आप जब पूनम पे अटैक हुआ तो आपने कहा गेम ही तो है. और हाँ. लेकिन जैसे ही हाँ. अंजलि ने yes. और साइशा ने आपको चुना, देखिए एक बात तो पक्की है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैदी है, चाहे वो पायल हो चाहे तुम हो, यू नो ये बहुत ही नेचुरल है फॉर देम टू चूज़ यू. इट्स अ गुड मूव अगर उन्होंने आपको चूज़ किया. और इन्होंने अपना गेम खेला, इन बेचारों ने कभी तो अपना गेम खेला. और जब पहली बार खेला तो तुमने उतना मैनिपुलेट किया, मतलब पूरा अंजलि को तो पूरा गैसलाइट किया एंड गिल्ट ट्रिप पे पूरा yes. जाके उसको सॉरी बुलवाया. और इसने तो वो सारे डोमिनोज तहस नहस कर दिए कि भाई मुझे नहीं खेलना है. इवन साइशा देवर फाइटिंग देन विद ईच अदर के तुमने किया था, ये तुम्हारा डिसीजन था. और तुम फूट फूट के रो रहे थे. टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो होता है ना जो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की इपिटमी ऑफ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड बन गए थे तुम. और सबसे बड़ी तो बात यह है कि अब मुझे अभी इस हफ्ते पता चला है कि अंजलि का भी बॉयफ्रेंड है बाहर, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है और दोनों दोस्ती बना के रखते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के घूमते हैं. टॉक्सिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूमते हैं. मतलब तुम लोगों का जो है ये है क्या यार? मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ. मैं इनसे 100 बार पूछ चुका हूँ ये चीजें. मैंने साइशा से भी पूछा, साइशा से भी बात करी है. आई रियली वांट टू टेल यू, पहले मैं ये बोलूंगा कि पहले आजमा की बात में खाली ये कहना चाहूंगा कि डिफेंड नहीं कर रहा हूँ. मैंने आजमा को सॉरी भी कहा और जब पता चला झाड़ू लगी है मैं उसके पास भी गया पूछने के लिए. बट उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि इसके साथ ये भी हुआ है. बट मैंने उसको सॉरी कहा और मैंने जब वीडियो फुटेज देखा तब यही कहा कि आई डोंट सपोर्ट दिस और मुझे दिखा नहीं और मैंने ये किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी. सबसे उस टाइम पे काफी चुटकुले मैं जो कर रहा था और तुम्हारी लाइन मुझे भी याद है. जब तुमने कहा था कि जब इनसे लड़कियां कम्पीट नहीं कर पाई तो जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, समथिंग ऑफ दिस इफेक्ट यू सेड. और झाड़ू से उसकी आंख भी जा सकती थी जिस तरह से. बिल्कुल, वो तो हमें फुटेज देखे तब पता चला. तो वो मैं करना चाहूंगा कि मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं वहां था और मैं उस चीज को रोक नहीं पाया क्योंकि हम कहीं और कुछ ही और अलग ही जोन में थे. दूसरी चीज़ ये अंजलि के साथ जो हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि मुझे वो बैकस्टेप वाली फीलिंग इसलिए आई क्योंकि एक दोस्ती है, ठीक है, हमारी दोस्ती है. और वो हाथ पकड़ने वाला जो सीन आपने देखा होगा वो एक वही था कि मैं अपसेट था और वो प्रॉमिस हम एक बात कर रहे थे एक प्रॉमिस पे कि देख मैं तुझे ट्रस्ट कर सकता हूँ ये गेम में, या इस तरह की एक चीज़ थी. क्या ट्रस्ट नहीं मुनव्वर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ विनर बनने आए हो yes, पर yes. अंजलि और शायशा तुम्हारे स्टेपिंग स्टोन नहीं है. मैं स्टेपिंग स्टोन किसी को बना भी नहीं रहा हूँ. विनर्स बनने आए हैं. मैं वही कह रहा हूँ, मैं किसी को बार बार इन लोगों को ये बोलती रहती हूँ लेकिन तुम जिस तरह से ट्रीट करते हो ना सारे कैदियों को, ऐसे लगता है कि तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन 1 है नंबर, ये स्टेपिंग स्टोन 2 है, स्टेपिंग स्टोन. ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है मुनव्वर. तुम्हें ये फील कहाँ से आ गया है कि दे आर नॉट सपोज टू प्ले देयर गेम? नहीं दे कैन. मैंने बोला दिस इज अ गुड गेम बट एज अ फ्रेंड तुम 5 मिनट पहले आके मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, मैं ब्रिक्स निकाल के तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ कि चलो जाते उड़ाने आजमा को या अली को, और बाहर आके मैं देख रहा हूँ तो इन लोग लगा रहे, पर मैंने मैम 6 लोग मिलके एक मेरे उस पर लगा रहे. और प्रॉब्लम यह है कि तूने ये किया, चल तूने गेम खेला, स्ट्रैटेजी क्या थी, तूने क्या हासिल क्या किया?
तू जो जिस इंसान को पसंद नहीं करती वो फिनाले चला गया और जो इंसान को पसंद नहीं करती वो ये हफ्ते सेफ हो गई। नहीं बात पसंद ना पसंद की नहीं, नहीं तो मैं वो बोल रहा हूँ, तुम एक स्ट्रॉन्ग कैदी हो। हाँ। और अब आप उनमें से 8-9 जितने भी हैं उनमें से सिर्फ 5 फाइनलिस्ट होंगे, 4 निकाले जाएंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं नेचुरली उनके चांसेस ज्यादा हैं फिनाले में होने के। आई अंडरस्टैंड। तो इन लोगों का ये इन लोग गेम खेलने आए हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो राजा बेटा सिंड्रोम है ना, नहीं नहीं राजा बेटा के लिए सब है, राजा बेटा के लिए सूरज उगता है, राजा बेटा के लिए धरती आसमान और ये पर्वत ये पेड़ राजा बेटा के लिए। आई ओवर रिएक्टेड, बट ऐसा नहीं है, यही होता है। आप कभी भरोसा किसी चीज पे करते हो और आप लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हो जो सामने आने लगते हैं। आई वांट टू करेक्ट यू, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके जो इमोशंस हैं आपके लिए या उनकी जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन नहीं है। ये कहां से ये बात लड़कों के दिमाग में आ जाती है? इसीलिए वो चीज 24 घंटे सेम पोस्ट एज माय हस्बैंड और एज माय बॉयफ्रेंड और एज माय ब्रदर एंड इफ आई वांट टू आउटडू हिम व्हाई इज इट लुक्ड अपॉन एज बैक स्टैबिंग और इफ ही आउटडज मी तो आई विल सेलिब्रेट इट। ओके बट इफ आई आउटडू हिम एंड आई वांट दैट पोस्ट और मुझे पता है कि हम लोगों को उसके लिए कम्पीट करना है तो अगर मैं वो ले लेती हूँ तो वो बैकस्टैबिंग क्यों हो जाता है? ये राजा बेटा कॉम्प्लेक्स हर लड़के में, खासकर बहुत लड़कों में, हर में तो नहीं बहुत लड़कों में क्यों होता है? और मुनव्वर यू आर डिस्प्लेइंग इट विद फुल दिस थिंग। हाँ हाँ मेरे मुँह से निकला, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं कुछ आता है और ऐसा जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उस वक्त आता है तो प्रॉब्लम होती है। बट यही रीजन कि आई अंडरस्टैंड एक्सपेक्ट किया था कि ये तुम्हारे एक तुम्हारे ये जैसे कच्चे धोती रहे और एक तुम्हारे बाजू दबाती रहे और सुलाती रहे और चली जाए जेल से। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब हमने बात कर ली है कि टॉप फोर में जब आए वो वही राउंड में है कि हम जब 4 बचेंगे तब आपस में लड़ना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहना। और मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अरे भाई अगर ये उसमें जाएंगी तो तब तक ना लड़ेंगी। अरे आप मुझे कंप्लीट तो करने दो। अगर ये वहां जाएंगी तब तो लड़ेंगी ना, तुम तो पहले ही उनका पत्ता कट करने के चक्कर में कि फाइनल में जाएंगे। मैं पूरी बात तो कर लूं, मुझे बात ही आप कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो। मैं यही बोल रहा हूं अगर आप समझा भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जब से आया हूं यही सेम चीज कलम रहा हूं। मैं खत्म कर दूं पर किसी को भी ये चीज समझ नहीं, खत्म कर लूं। मैं वहीं आ रहा था कि आई अंडरस्टैंड वो गेम था, मैंने ओवर रिएक्ट किया और इसी उसके बाद ही 24 घंटे में चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो गई, ठीक हो गई। तो वही रीजन था कि जिसकी वजह से आई अंडरस्टैंड कि हां मैंने ज्यादा कर लिया, गेम है, अब मैं सच में किसी पे भरोसा नहीं करूंगा और मैं वो खेलूंगा वो गेम। साइशा आपने तो मतलब मैं अब आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगी क्योंकि मेरी कोई एडवाइस तो ली जाती है नहीं और आई विल लेट यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। मगर जिस तरह की बातें आप कर रही हैं कि मैं तो गेम जाए भाड़ में, मैं तो मुनव्वर के लिए ही यहाँ आई हूँ, तो डेफिनेटली यू डोंट डिजर्व टू बी इन फाइनल्स अगर आपकी इस तरह की धारणा है, इस तरह के विचार हैं। और मुनव्वर के क्या विचार हैं आपके लिए वो तो उसने काफ़ी ओपनली डिस्प्ले किया ही है, तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से तो इससे अच्छा तो अगर आप उनको सपोर्ट करने के लिए ही आई हैं और उससे अच्छा तो आप बाहर कर सकती थी, उनके लिए वोट भी कर सकती थी, उनके लिए उनको हाइप भी कर सकती थी, उनकी रील्स बना सकती थी, उनके लिए कम्युनिटी बना सकती थी, फैन क्लब बना सकती थी, लेकिन उसके लिए आपको जेल में आने की जरूरत नहीं थी। आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ये इस काम के लिए यूज़ कर रही हैं, दिस इज़ शॉकिंग। ऑब्वियसली व्हेन आई केम विद अ पर्सपेक्टिव एंड यहाँ क्या हो रहा है ना, मेरे इमोशंस ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं कि एक दिन ऐसे लगता है कि हाँ मैं खुद के लिए खेलूंगी, फिर एक दिन ऐसे लगता है दैट आई नो इज माय वीकनेस एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। लेकिन जब प्रिंस आए और प्रिंस के थ्रू मुझे एक विजन मिली तो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि मैं वो कर रही हूँ। अब वो फ़र्क दिखने थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब 2 घंटे 1 घंटे 1 दिन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 4-5 दिन जाएंगे, बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग माई बेस्ट नाउ आफ्टर प्रिंस हैज कम। लेकिन आई डू अग्री आई वॉज इन दैट बोट एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ दैट मैं उसमें बहे जा रही थी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अगेन। अगर सिर्फ बात मुनव्वर की नहीं है, आप जैसी ऐसी बहुत महिलाएँ होती हैं जो कि ऐसा गिल्ट ट्रिप में रहती हैं कि हाउ कैन आई डू बेटर देन यू, आई एम नॉट एज गुड एज यू, और मैं आपसे अच्छा नहीं करूँगी क्योंकि अगर आपको इससे दुख होता है या आपको इससे तकलीफ मिलती है तो आई विल डम डाउन माई सेल्फ टू सूट योर लाइकिंग। मैं अपने आप को कम दिखाऊंगी, अगर मुझे 98 मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, मैं 58 लूंगी, 2 कदम पीछे चलूंगी अगर मैं फोटोग्राफ्स में ज़्यादा शाइन कर रही हूँ, एंड फील अपोलोजेटिक,
ओ अच्छा मैं ज़्यादा अच्छी लग रही थी या मुझे ज़्यादा तारीफ मिली तो मुझे अपने आप को डम डाउन करना चाहिए. ऐसी बहुत सारी महिलाएं इस तरह की सोच रखती है, यू नो, या मैंने उनको हर्ट किया, ये सब, ये इस तरह की सोच डिस्प्ले करके आप जो है पता है कितनी लड़कियों को हार्म कर रही हैं, कितनी अपनी ट्रांस कम्युनिटी को हार्म कर रही हैं. क्योंकि आज आप उनको यहाँ पे जैसे कई बार आपने कहा है कि आप जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या रिप्रेजेंटेशन हुई ये, कि यही रिप्रेजेंटेशन हुई? नो, आई विल, आई रियली होप दैट यू डोंट स्टॉप गिविंग मी एडवाइस, बिकॉज आई फील प्रिंस के आने के बाद मैं थोड़ी बहुत ट्रैक पे आ गई हूँ, तो आपसे भी जो एडवाइस मिलती है आई विल मेक श्योर दैट आई अप्लाई इट. लुक एट पायल, शी डजंट थिंक शी इज सेकंड टू एनीवन. पाहिल, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा खेला. थैंक यू. इस हफ्ते थैंक यू. और जिस तरह से आप डोमिनोज की गेम में पहले ही आउट हो गई थी, मगर फिर भी यू वर रिलेंटलेस, यू वर एट इट, यू वांटेड टू पार्टिसिपेट, यू वांटेड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ. और जो मेरी सलाह आपने ली जी, आपकी जो है फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट में भी है, लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम है, वो भी आपने दिखाई. थैंक यू. आपने आजमा के साथ और शिवम के साथ दोस्ती डेवलप की जी, और जिसका आपको फायदा भी हुआ जी. शिवम ने आपको चार्जशीट से बचाया और पहली बार आप चार्जशीट में नहीं है जी. पहली बार मैं चार्जशीट में नहीं हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ विदाउट द स्ट्रेस, विदाउट द प्रेशर कि मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी और लोग यहाँ पर बैठेंगे. आज मैं यहाँ पर बैठूंगी और मैं वहाँ पर सब लोगों को खड़े हुए देखूंगी एंड आई विल इंजॉय द होल प्रोसीजर. बट आई एम खुशी में एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी और बहुत अच्छा मेकअप किया है, सो वी वांट टू हैव अ बेटर लुक एट यू. कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड शो? यस यस यस. यू वांट मी टू कैटवॉक? आई कैन डू दैट. यस प्लीज. तेरा मुखड़ा चंदा टुकड़ा ने तेरी अन्नक तेरे सू क्या बात है. ब्यूटीफुल, थैंक यू. क्या बात है ने तेरा काजल करता पागल हिप्नोटाइज ये जंगल. I love him in a sense, in a nice way. He kept his promise. I'm very, very thankful to him, Kangana, because ये game है and he has been an individual player. मैंने पहले से ही notice किया है कि Shivam has an individual trait. तो मुझे पता नहीं था he'll save me or not. So I told him my points, but I was praying, hoping कि he saves me because मेरे पास एक ही secret बाकी है and I want to reach the finals because we all play to win. अब मैं बन गया ब्रांड, अब कोई टेंशन नहीं है, मेरा पर्दे बढ़ गया. थैंक यू मैम. Congratulations to you. Thank you, ma'am. The first finalist of season one. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. But बहुत सारे उतार चढ़ाव करके, बहुत सारी जर्नी करके, एंड फ्रॉम डे वन से जो हमारे कैदीज हैं उनमें से आप एक हो, तो आप पूरे ये हर दिन मुशक्कत करके, हर दिन बड़ी जद्दोजहद के बाद पहुंचाऊंगा, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू मैम. आपकी बदौलत ही आपका संडे हूँ और आपकी बस मैं उसी वजह से चल रहा हूँ, और आपने जो मुश्तंडा भेजा है उन्होंने अरीना में मेरा बहुत साथ निभाया और मैं आज यहाँ हूँ आपकी बदौलत. थैंक यू सो मच मैम. आसमा, मैं देख रही हूँ आजकल के आप स्ट्रगल कर रही हो प्रिंस से बात करने के लिए. यस मैम. चलो लेट मी हेल्प यू लिटिल बिट. सच में? जैसे रोमांटिक मूवीज में होता है ना कि कोई गाने गा रहा है, यू नो, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उस टाइप का है, तो मौका तो दे ही सकते हैं आपको. yes. फिर उसके आगे जो भी हो दैट अप टू यू. लेकिन तू मेरे पे क्यों बिल फाड़ रही हो कि मैम ने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आई वांट टू से सॉरी टू हर. सॉरी आजमा, मैं उस दिन आपके लिए वहां पर नहीं खड़ा हो पाया, मेरी बहुत बड़ी गलती है वो, और लाइफ की मेरी ऐसी गलती है जो मैं सॉरी मांगने में भी आपको नहीं कर सकता, बट मैं दिल से गिल्टी फील करता हूँ उसके लिए एंड आई एम रियली सॉरी. बात नहीं. अगर अभी आपके लिए कोई ऐसा होगा तो मैं आपके लिए खड़ा हूं. प्रिंस या प्रिंस? यस. जस्ट स्टे देयर ओनली. यस. गार्ड. अरे मैम रोज दे दो. प्लीज जस्ट प्ले अलोंग. आई नो यू आर मैरिड बट प्ले अलोंग. मैं तो को शायरी बताऊंगा, ठीक है?
आप लोग बीच से निकलो अच्छा सब पायल तुम भी उठ जाओ थोड़ा हाँ मोमेंट बनने दो दिस इज फॉर यू ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है उस वजह से कि मैं आपके लिए जो चीज़ें नहीं कर पाया अब मैं चाहता हूँ मैं 13 डेज हूँ तो मैं ट्रबल मेकर बाकी सबके लिए बनूँ तुम्हारे साथ क्या बात है वाह थैंक यू मैम प्लीज तुम तो ना ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही भाई बन के बैठ गए हो चलो बाहर आ जाओ जस्ट परफॉर्म लिटिल बिट प्रिंस कम आजमा कम Let me play a song. इस जेल में प्यार की थोड़ी कमी हो गई है आजमा आप भी आ जाओ साइड ओके प्ले अ सॉन्ग गाज चलो आ जाओ फूल रख दो इश्क वाला ना हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला ना ये क्या हुआ ना तुम्हें पता नहीं ज्यादा हुआ क्या नहीं गाना खत्म नहीं हुआ उसको क्या हुआ इश्क वाला बस कर दो अब मैं खड़ा हूँ हो गया तो आजमा कैसा लगा आपको थैंक यू सो मच मैम थोड़ा टाइम तो मिल गया आजमा हो गया मैं बर्बाद हो रही हूँ मैम इधर प्यार में अभी कंट्रोल करना पड़ेगा हमको टमाटर जैसी लाल हो गई आजमा यस बहुत बड़ी ड्रामेबाज है मैम ये बहुत बड़ी अच्छा तो प्रिंस काफ़ी शिकायतें कर रहे थे लेकिन किस किस को लगता है यहाँ पे कैदियों को कि प्रिंस की एंट्री जो है सेवन्थ वीक में हुई है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मिस की हैं काफ़ी गेम्स मिस किए हैं अनफेयर था सेवन्थ वीक में आना और अब फाइनल्स के लिए एलिजिबल हो जाना ठीक है तो फिर ये भी आज कमी पूरी कर देते हैं अत्याचारी है तो एक्सेप्ट कर लिया मुझे आप लोगों के फेयर एंड फेयर से इतना फर्क तो नहीं पड़ता एग्जैक्टली तो लॉकअप की गंदगी तो प्रिंस ने साफ करवाई दी है पर अभी मैं आपको मौका दे रही हूँ इनकी गंदी सोच को परखने का ऐसा करते हैं कि प्रिंस को बीते हुए 7 वीक्स का रिकैप दे देते हैं शुरू करते हैं अत्याचारी कॉकटेल वाह क्या प्रिंस आर यू रेडी यस मैम गार्ड्स प्रिंस साइड में आके खड़े हो जाओ यस मैम प्रिंस ये आपके सामने लॉकअप के 7 हफ्तों के खेल हैं जिन्हें खेलते हुए ये कैदी यहां तक पहुंचे हैं ओके मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी उसके बदले में आपको एक कैदी का नाम लेना है ओके रीजन देना है या और जो भी उस हफ्ते का खेल था उसे निभाना है ओके पूनम बोर्न रेडी यस तुम्हें ब्लैक पाउडर तो याद ही होगा कैसे भूल सकती हूँ कैसे भूल सकती हूँ तो प्रिंस को समझाइए जरा क्या था वो आपको काला पाउडर लेके आपको जो इंसान यहाँ पे पसंद नहीं है या आपको उनमें जो खामियां लगती हैं आप लगाते वक्त उन्हें वो खामियां बताएं मैं लगाने से पहले ही खामियां बता दूंगा फिर लगा दूंगा जाके तो शुरू करते हैं काला पाउडर से यस मैम जिस पे भी लगाना चाहते हैं उसे बुला लीजिए आगे मुनावर ठीक है तो अब आप इनकी खामियां बताइए और उन पे इनका मुंह काला कीजिए इसी खामियां ये है कि ये दोस्ती पे बिलीव करता है वो सब करते हैं सब दोस्त मानते हैं मुझे लगता है कि दोस्त वो होता है जो अपने दोस्तों को अपने से आगे रखे
तो कहीं का जहाँ का ये उस जगह पे पीछे रह जाते हैं, ये बहुत ज़रा इनसिक्योर हो जाते हैं, इनको लगता है इनकी गेम शायद इधर उधर हो रही है, तो इसलिए साइशा और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको शाइन होने से रोक देते हैं। सो मेरे लिए बहुत वो अजीब है। और सेकंड, मैंने इनको कल ही बोला था जब टास्क हुआ था, मैंने बाथरूम तोड़ा था, कि तुम एकदम से जब एक्शन लेते हो तो वो अग्रेसिवनेस लगता है कि तुम बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, जो कि तुम्हें रोकना चाहिए अपने आप में। उसके अलावा मुनावर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे लगे कि वो गलत है। बस ये दो चीज़ें हैं, दोस्तों पर ट्रस्ट तो करो पर उन खुद पे भी ट्रस्ट करो कि उनको भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो अपनी गेम खेल सकते हैं। थैंक यू प्रिंस भाई ये बताने के लिए, और मुझे जितनी उसमें से लगेगा लेने लायक चीज तो yes, yes, लेके बिल्कुल मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा। बहुत एक्सपीरियंस है और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये जान मैं खुद करता हूँ, पहले से मैं इनको फॉलो करता हूँ, तो डेफिनेटली थैंक यू भैया। पायल, वीकेंड टू पे क्या हुआ था जजमेंट डे पे? वीकेंड टू पे मैम हमने बोला था कि इस जेल में सबसे ज़्यादा बोझा, मतलब बोझ कौन है, एंड प्रिंस को बताना पड़ेगा कि अभी हम बचे हुए कैदी में से उनको लगता कौन है कि कौन सा कैदी इस जेल का बोझ है। सो दैट इज एविडेंट टू दैट कैदी। आई एम रेडी विद माय आंसर मैम, कैन आई तो ये मैं बोझा देने चाहूँगा। इस टाइम में शो में बोझा है पूनम। मैं पूनम को ये भोजा देने चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये पता नहीं क्यों जब से मैं आया हूँ, उन्होंने खुद भी बोला है कि 10 बार मुझे बोल चुके हैं आई वाना गो। इतने लोगों का चांस बाहर, जो लोग ये शो देख रहे हैं, इस शो में आना चाहते हैं, उनके लिए फेयर नहीं है। जो पूनम को देखते हैं, जो पूनम से इंस्पायर होते हैं, जिनके लिए पूनम यहाँ खड़ी है, अगर वो पूनम को देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि यार हम पूनम के फ़ैन क्यों हैं। अगर पूनम जाकर अपना स्टैंड नहीं ले सकती, पूनम अपने लिए बात नहीं कर सकती, पूनम बात करती है पर पूनम डर जाती है, पूनम को लगता है कि शायद ये मेरी गेम पे हावी ना हो जाए, तो दैट्स द रीज़न वो अपने आप को रोक लेती है। मैंने पूनम को बोला, पूनम मैं आपको बाहर से देखा हूँ, मैं पूनम पांडे को जानता हूँ, वो पूनम पांडे जो पूनम पांडे किसी डरती नहीं है, सीधा जाके मुँह पे बात करती है, और इस घर में भी वही पूनम पांडे चाहिए, बाहर लोगों को भी वही पूनम पांडे चाहिए, और जो ये शो बना रहे हैं उनको भी वो पूनम पांडे चाहिए जो जाकर सीधा डायरेक्ट मुँह पे बात करे। मैम डे वन से मैंने मुझसे जितना हो सका है टास्क के लिए, हर चीज़ के लिए मुझसे जितना बन सका मैंने उतना डाला है। एट दिस स्टेज मेरी बॉडी नहीं मेरा साथ दे रही है, मेरे को दुखती रहता है, मेरे को दुखता है, और हाँ मेरी बॉडी गिव अप कर रही है मैम। पर मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपको टास्क नहीं करना, आप मत करो टास्क, गेम नहीं है पूरी गेम, गेम है बोलने की कि तुम अपने विचार कैसे रखते हो। आप बेड पर बैठ कर भी अगर अपने विचार रखते हो तो वो भी बहुत है। नहीं मैम, मेरी बॉडी जब गिव अप कर रही है बहुत ज़्यादा, मैं मेंटली भी गिव अप कर रही हूँ, और ये मेरा पर्सनल सच है जो मैं आपको बोलूँगी, ये मेरा सच है। तो पूनम देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि किसी को भी यहाँ कुछ भी किसी को प्रूव नहीं करना है, जैसा आपने इस गेम से ये अगर सीखा है कि आपकी बॉडी, तो आपको अपनी बॉडी को जो है वो अब उसका सशक्तिकरण करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि एसेंशियली हमारा जो ब्रेन है वो भी एक ऑर्गन ही है, यस, एंड माइंड इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेन, यस, तो वो है तो ऑर्गन ही, तो जब आपको पता चल रहा है कि आप यू आर नॉट फिट टू फाइट, जिसे कहते हैं ना फाइटिंग इज नॉट जस्ट अ सेंटिमेंट, इट इज अ रियलिटी ना, सेंटिमेंट के बाद इट स्टेम्स इन टू अ रियलिटी, तो वो रियलिटी के लिए यू आर नॉट फिट, तो आपको ये बहुत बड़ी रेवलेशन हुई है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा आपने जो है जिस तरह से रखा हुआ है, चाहे आपकी वो फूड हैबिट्स है, चाहे आपकी लाइफस्टाइल है, चाहे जो भी है, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आप बात ऐसे कर रही है जैसे कोई 80 साल के बुजुर्ग होते हैं। यस मैम एग्जैक्टली। आपकी नहीं मैम, नहीं मैम, जब मैं यहाँ पे आई थी उसके पहले जो चीज़ें हुई है मेरी बॉडी के साथ, कंसर्न वो है, उसके अलावा मैं बहुत बहुत फिट हूँ हर एक चीज को लेके। Yes, like I said, you don't have to prove to anyone. You have to take care of yourself. Yes. You can take your seat. Thank you. साइशा होली याद है क्या हुआ था तीसरे वीकेंड पे? बताओ जरा प्रिंस को। चार बाल्टियाँ थी जिसमें चार कलर थे पानी के साथ, तो हर कलर के साथ एक वर्ड था, लल्लू राम लाल, हारा हुआ हरा, निकम्मा नीला, पकाओ पीला, पकाओ पीलू, पीला, पीला तो हमको उसमें से पानी भर के एक एक इंडिविजुअल को, तो इसमें से एक निकाल के देना है या चारों दे दूं? हमारे पास कलर तो नहीं है, पर स्टिकर लगा दीजिए। ओके, मैं ये निकम्मे का टाइटल देना चाहूंगा हमारे अली भाई को। खड़े होके लीजिए अपना।
बैज ऑफ ऑनर अली मैं चाहता हूँ आप अपने ये इस पे लगाएंगे इसलिए नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप करें मैं चाहता हूँ कि आप जागे आप लल्लू नहीं है जो कि आपको लोगों ने बना रखा है निकम्मा नहीं है जो निकम्मा लल्लू निकम्मा मैं सारे टाइटल इनको ही दे रहा हूँ वो कि ये वो नहीं है जो ये बन रहे हैं अभी आप अपनी इंडिविजुअल गेम इतनी स्ट्रांगली खेल सकते हैं आपको 70,000 वोट पड़े हैं आपको किसी की जरूरत नहीं है आप प्लीज जाइए फायर बने ये जो भी 13-14 दिन रहते हैं आप आग लगाएं आप डरे मत कि आपकी गेम वीक पड़ जाएगी या आपकी दोस्ती कम पड़ जाएगी अगर दोस्त ही आपके हैं तो इस घर से बाहर जाकर भी रहेंगे अगर दोस्त घर जाकर बाहर रहकर नहीं रहेंगे तो आपके दोस्त है ही नहीं बिल्कुल दिस इज फॉर यू चलो मैं इसे पॉजिटिवली लेता हूँ एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस वेरी अग्रेसिवली अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो स्टिकर लगा दो अपने ऊपर और तुम वहीं पे रहो तुम्हें सारे स्टिकर लगने वाले हैं सारे एक एक लगा दो और वो निकालना मत आज पूरे एपिसोड में हारा हुआ हारा नीला निकम्मा लाल लल्लू पकाओ पीला पकाओ पीला जब भी ऐसा कुछ हुआ मैं हमेशा और भी मोटिवेटेड हो गया yes. so I'm sure I will get totally motivated from now बैठ जाओ चलो अगर मैं बच गया वीकेंड फोर पे कुछ कचरा वाला कुछ हुआ था सब कैदियों के फोटोज में से जो आपको लगता है जो कचरा है उसका फोटो लेके फाड़ना है और उसको झाड़ू से उठाना है और कचरे के डब्बे में डालना है तो मैं ये अंजलि को दूंगा उसका रीज़न बहुत ही फेयर है वो अंजलि को भी बोल चुका हूँ मैं शायद समझा भी चुका हूँ अंजलि को और वो मेरी बात तब भी नहीं सुनती शायद आपकी भी नहीं सुनती इस दैट्स द रीज़न मैं कोई उससे नफरत नहीं करता पर इस शो में कचरा वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड बिल्कुल नहीं लेती ठीक है और वो फिर 2 मिनट के बाद मुनावर के पास जाकर बात करती हैं सॉल्व करने के लिए जो कि उनको ज़रूरत नहीं है करण ने उसने लास्ट वीक बोला कि आप शाइन हुए हैं क्योंकि अंजलि ने अपने लिए स्टेप लिया है उस लिए शाइन हुए हैं अंजलि फिर भी पता नहीं क्यों सोचती है अंजलि के पास 12 मेरे पास 12 मिलियन होते ना मैं किसी से नहीं पूछता कि क्या करना है मैं डायरेक्ट जाके ठोक देता तो मैंने अंजलि को 100 बार बोला कि अंजलि को किसी की जरूरत नहीं है अंजलि इस घर का कचरा साफ कर सकती है ये ऐसे करके जैसे इसको कचरा बनाया और फेंक सकती है तो अंजलि मैं आपको ये पॉजिटिव वे में लो आप क्योंकि मैं चाहता हूँ आप गेम में आगे जाएं और आपके पास बहुत सारी वोट्स हैं अगर आप अभी भी 13 दिन को यूटिलाइज करेंगी मुझे लगता है कि आप इतने मार्जिन से जीत सकती हैं मैम ने जब भी मुझे एडवाइस दी है मैंने उसको लिया है और मैम यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैं सॉल्व करने गई वो मेरा दोस्त है मुझे लगा कि शायद मैंने उसको किसी और वे में हर्ट किया है तो मैं इसलिए सॉल्व करने गई थी गेम के प्रोस्पेक्टिव से मैं उसको सॉल्व करने नहीं गई मैं बताता हूँ जब अंजलि ने अपना स्टेप लिया यहाँ पर कि मुझे मुनावर का उड़ाना है मैंने बोला गो अहेड उसके बाद जब वो हो गया जब उसको लगा कि मुनावर का रिएक्शन बहुत ही गलत आ गया तो ये डर गई और मुझे बोला कि प्लीज आप बोल देना कि मैंने टेस्ट करने के लिए लिया था तो मेरे को उस टाइम गुस्सा आया कि अंजलि नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि तुमने स्टेप लिया और अपने लिए लिया तुम डर क्यों रही हो अगर वो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें मानेगा कि तुमने बिल्कुल सही किया जो किया समटाइम्स हमने जो डिसीजन लिए होते हैं जरूरी नहीं है कि हमारा हर डिसीजन सही होता है और मुनावर मुझे लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं था मुनावर ने मुझे बोला कि प्रिंस भाई अंजलि ने मुझे बताया कि मैं भड़क गई थी प्रिंस भाई की बातों में no, तो मैंने उसको बोला कि मैंने तो समझा मैं भड़का नहीं रहा हूं किसी को नो 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 वो देखो मुनावर सामने उसने जो बोला वो आपसे उसने क्लियर किया नहीं किया मेरे को नहीं पूछना आपने मुझे बोला कि उसने बोला भड़क गई थी नहीं बोला भड़क गई थी नहीं बोला इन टर्म्स ऑफ द गेम इट वाज अ गुड मूव लेकिन अब आपको अपने इमोशंस को लेके बहना है या डिसोरियंट होना है you have to lose the focus of why you are here in the first place that's up to you but in terms of the game it was a good move apne aapko defend karne ki zarurat nahi hai apne aapko guilty feel karne ki zarurat nahi hai kyunki aap yahan khelne aaye ho aapke bhi jo jaisa aapne kaha ke itne followers hain aapki family hai aapke dost hain who are rooting for you and they don't want to see you as a second to anyone yes yes ma'am thank you abhi to ud jana तो प्रिंस आप तो कई रियलिटी शोज के विनर हो जी मैम और कई लोगों को आपने रियलिटी चेक भी दिया है yeah. अब एक ऐसे कैदी को चुनिए जिसे आप एक तगड़ा रियलिटी चेक देना चाहोगे और एक रियलिटी चेक दो उनको दिस वाज द फिफ्थ वीक एक्टिविटी वो होंगी पायल पायल को मैं बुलाना चाहूंगा प्लीज तो प्लेट और स्पून बजाएंगे उनके कान के सामने ये मैंने एक्चुअली इनको बोला भी था कि आप ये लो और अगर आपको किसी से तंग है चाहे मुनावर है कोई भी आप रात को उसको जीने मत दो ये बजाओ क्योंकि आपके पास पावर कार्ड है आपको कोई नहीं निकाल सकता आप इसको यूटिलाइज करो मैं इनको इसलिए दूंगा क्योंकि ये भी वही हैं जो घबरा जाती हैं कि मैं फिनाले तक नहीं पहुंच पाऊंगी फिनाले तक और मैंने इनको बोला है कि जैसे आप उन्हें विचार रखते हैं
आप जैसे स्टैंड लेते हैं, आप जैसे काम करते हैं, आपको फिनाले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आप सबको फिनाले में नहीं भेजेंगे, आपको फिनाले में आप खुद लेके जाएंगे। और अभी जब मेरे से ये बहस करते हैं, मेरे से बात करते हैं, मेरे को बार बार मनाते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनको गेम में जीतने की आग है। तो दैट्स द रीजन। ओके, प्रिंस जी ने कहा कि मेरे को डर लगता है कि मैं फिनाले में नहीं पहुंचूंगी, ये आई थिंक एक गलत एक ऑडियंस। मैंने खाली लास्ट वीक जो करणवीर और हम और अली खड़े थे जेलर साहब के सामने और वोटिंग के नंबर्स देखे, तो वोटिंग के नंबर्स पे बिकॉज आई डोंट नो हाउ द विनर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑफ द शो, मैं सोचती हूँ कि मेरा नहीं है पे संग्राम को पता ही नहीं है क्या डालना है क्या नहीं डालना, क्योंकि मेरे ऊपर आईटी एक्ट लगा हुआ है, तो ही मस्ट बी नॉट पुटिंग एनी कंट्रोवर्शियल पोस्ट रिलेटेड टू द शो। सो मैं सोचती हूँ कि वोट्स कैसे लाए, बिकॉज मेरे इस शो के अंदर मुनव्वर जैसे फैंस हैं जो मेरे अकाउंट पे जाके मेरे फोटोग्राफ के नीचे देखते कितने लाइक्स आए, वो बॉट्स हैं, क्या कमेंट्स आए, तो मतलब इतने जेन्युइन फैंस हैं मेरे इस शो के अंदर फ्रॉम द गोल्डन बॉय मुनव्वर फारूकी कि मुझे पता है कि मैं फाइनलिस्ट तो बनूंगी, मगर जीतने के लिए मुझे अगर वो पब्लिक वोट्स चाहिए तो वो मैं डिस्कस करती हूँ प्रिंस नरूला से। प्लीज इनको ये बताओ कि इनसे ज़्यादा जो एक्टिव थे सोशल मीडिया पे वो घर जा चुके हैं, तो और अभी भी गेम में है, तो मतलब की ऑडियंस मैटर नहीं करती, इस शो की ऑडियंस अपनी है जो मैटर करती है। आई एग्री, आपने इस हफ्ते एक अनबिलीवेबल काम भी किया है जो आपने गोल्डन ब्रिक जो है प्रिंस से जो आपने कन्विंस करके अपनी कन्विंसिंग पावर को जो है आपने इनको किया है, तो ऑब्वियसली जो ये कह रहे हैं इनका क्रिटिसिज्म भी Yes, I take it very positively. You lose confidence at times, yeah. So please have your seat. Yes, sixth thank week you. Judgment day पे क्या हुआ था? आज़मा आप समझाइए। तो आपको उसको किक मारना है जो मुफ्त की रोटी खाता है इस घर में। यही है, नहीं नहीं नहीं। जो लातों का भूत है और बातों से नहीं मानता। ओके, तो मैं साईशा को बुलाना चाहूंगा इसके लिए। साईशा को मैं जोर से लात भी मारना चाहूंगा। साईशा उधर हो जा, अभी बहुत लात खाती ये। अभी जब से मैं आया हूँ तब से साईशा सच में इंडिविजुअल गेम खेल रही हैं, साईशा लड़ती भी हैं, साईशा वो करती हैं। मैं अपने दोस्त की बात आ रहा हूँ जिसने मुझे बोल के भेजा था, प्लीज़ आई लव साईशा, वो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको बोलना कि हम उनके लिए शो देखते हैं और किसी के लिए नहीं, नॉट फॉर मुनव्वर, नॉट फॉर अंजलि, वो उनके लिए शो देखते हैं। तो मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप उनके लिए खेलो, आप अभी ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मुनव्वर को या फिर इनको अपने दोस्तों को ट्रॉफी देने आए हो हाथ से पकड़ के कि ये लो आप हीरो, आप इस शो को जीत लो, वो आपको नहीं करना, आप भी जीत सकते हो, आपको खुद पे भरोसा रखना है। और ये लात इसलिए है कि ये लात खाओ, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आपको दो हफ्ते बाद पड़ जाएगी। साईशा, प्रिंस ने ये सही कहा 100%, और मैंने आपको कहा कि जब से प्रिंस आए हैं उनके थ्रू मुझे एक पर्सपेक्टिव मिली है, मुझे लात तो छोड़ो झापड़ भी मिला है, जो ब्रेक वाला टास्क हुआ उसमें तो और भी तगड़ा झापड़ मिला है। तभी भी वो टास्क पे भी मैंने जब वो बात हुई मैं मुनव्वर को भी चिल्ला चिल्ला के यही कह रही थी कि इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क, और मैं चिल्ला ही रही थी वो पूरे टास्क में, बट अब मुझे समझ आ गया है। आपकी चीखें मुनव्वर के कान तक नहीं पहुंची। वो टास्क उसके दिल पे इतना लग चुका था। कुछ लोगों के लिए वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ये लोग तो मेरे सेट हैं, ये लोग तो कुछ नहीं करने वाले, अब मेरे जो टारगेट हैं वो हैं, पर ये लोग तो मैंने सेट कर दिया। जब वही गेम हो गया, मेरे साथ ही गेम हो गया, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, मैं बोला ये क्या है, उसमें चार ब्रिक मेरी थी, नहीं मैंने चार ब्रिक मेरी थी, और छह लोग कौन साथ में खेल रहे, अंजलि, पायल, शिवम, साईशा, ये लोग छह लोग साथ में खेल रहे, मैं बोला ये साथ में किसका उड़ा रहे, मैं जैसे बाहर आके देख रहा हूँ तो बिल्डिंग बन गई है मेरे आगे। मैंने पायल के साथ भी ये बात डिस्कस की थी कि मुझे अगर ये शो जीतना है तो मैं सिर्फ यही सोच के आगे जाऊं अब कि मुझे मुनव्वर को डिफीट करना है, मुझे मुनव्वर को डिफीट करना है, तो मैं ही उसे वो आधा औधा दे रही हूं। yes. मेरे लिए हर कंटेस्टेंट इक्वल कंपटीशन है और मुझे हर एक को डिफीट करना है, तो मैं ये बोल रही हूं कि प्रिंस के आने के बाद मुझे वो विजन मिली है और होपफुली मैं फिर से वो गलतियां ना करूं कंगना। एकता ने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, हाँ, टेबल पे कुछ प्रॉप्स रखे थे अलग अलग टाइप के, तो वो प्रॉप्स हमको उस इंसान को देने थे जिनको हमें लगता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सांप था जो मैंने केवी को दिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो दो प्रॉप्स रखे हैं, मेरे ख्याल से एक छड़ी है,
और एक ऑक्सीजन मास्क, एक ऑक्सीजन, दोनों ही सहारे ही। तो जिसको उसको दीजिएगा जिसकी गेम मर चुकी है, वेंटिलेटर पे है। ओके। और छड़ी आप उसको दीजिएगा जिसको सहारे की जरूरत है। ठीक है, बुला लीजिए उनको बाहर। अंजलि आ जाओ। अब नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। बस मैं आपको बार बार दे रहा हूँ, अंजलि को सहारे की जरूरत है मुनावर की। नहीं नहीं नहीं, अब ये इनको डिसाइड करना है कि इनको ये छड़ी के साथ चलना है नहीं, नहीं। या छड़ी के बिना चलना है। कोई गल नहीं, गलत प्रूफ करांगी पक्की गल। और ऑक्सीजन मास्क जिसकी गेम मर चुकी है वेंटिलेटर पे। पूनम फांदे, पूनम की गेम अभी डेड है, प्लीज पूनम उठ जाओ इससे पहले बहुत देर हो जाए, है ना। यू हैव जस्ट 13 डेज लेफ्ट। तो वेल प्रिंस, आप अब अप टू डेट हो चुके हो, आप पूरी तरह से अपडेटेड हो। तो एलिजिबल है फिनाले के लिए। वाह, कालक भी हम पे लगे, बोझ भी हम पे लगे, और सीजन प्लेयर आ गया 2 हफ्ते पहले और ये एलिजिबल हो गया। वाह वाह, अप टू डेट हो गया है ये। मैं अभी अप टू डेट हुआ है ये। इसमें एक लाइन आप बोल दीजिए कि हाँ ये अत्याचारी खेल है, तो हमको कबूल हो गया कि हाँ अभी अत्याचार है। मैं वही बोलने वाली थी कि देखो जिंदगी भी अत्याचारी खेल है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हम लगे रहते हैं और तो कोई आता है और मलाई खा के चला जाता है। बिल्कुल। तो क्या प्रिंस मलाई खा पाएगा या नहीं, आप लोग इतने जल्दी कंक्लूजन पे बताओ। मैं खा के जाऊंगा। मैं बहुत, मैं पंजाब से हूँ, मुझे मलाई सबसे ज्यादा पसंद है, मैं तो खा के जाऊंगा। आप मलाई खाइए, आई विल बी बैक। या Tell me something. Will it be considered that I'm not following Munawar if I just start attacking Munawar? It's not if you just, अगर आप ऐसे ही free fund में attack करोगे तो stupidity रहेगी। बराबर, reason रहेंगे तो करूँगी ना। Obviously. तो reason नहीं है तो मैं क्यों करूँ? फालतू में ऐसे ही जाके कोई किसी को attack करता है। Exactly. I mean यहाँ पे करते हैं लोग। मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं छोड़ देगा। मेरे को पता है मैं जा रही हूँ आज। देखते हैं। It still could be Ali. It still could be you. It still could be me. It could be anyone, Poonam. I'm okay. No, it could be anyone, Poonji. I am actually giving up. ऐसे कुछ नहीं है। मेरी इसलिए मेरी एनर्जी इतनी डाल। Let's wait. Let's wait. Mentally टूट रही। मेरे को मालूम है मैं mentally, और इसलिए मैंने honestly बोला। मैं नहीं चाहती कि एक मरी हुई कैदी यहाँ पे पड़ी रहे। You know? आज तो ये औरत इतनी खुश है, मेरा जीना हराम करने वाली ये औरत। ये औरत इतना जीना आराम करने वाली है मेरा। उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, जाग गया, जाग गया। साईशा, पता है एक इंटेंशनली धक्का देना किसी को और जब वो तुम्हें स्क्रैच कर रही है तब किसी को धक्का देना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं पर डिफरेंट मोड। सी इन द वीडियो एज वेल, या उसमें ये चीज इस चीज पे आया। पहले मैंने उसको बोला कि मेरे नहीं, पहले नहीं नहीं, पहले तूने उसका हाथ पकड़ा था। वो तो आगे जा रही थी। मारा, मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं, पहले तूने हाथ पकड़ा था। चलो लीव यार, मेरे अब सजा मिल गई उसकी। पहले अभी इस पे भी मैं बोलती हूँ, पहले आगे की बात भी छोड़ दो। तुमको पता है कि तुम्हारे हाथ नहीं आगे जाने चाहिए। या जो जब मुझे पता चला झाड़ू लगी, मैं खुद तेरे पास आया, मैंने तेरे को बोला कि अगर तेरे को लगी है उसने मारा है तो कैमरे में बोल। मैंने तेरे को वो चीज बोला था कि हुआ ये कैमरे में बोल, और तुम बाहर बैठ के मेरे मेकअप का जो भी हो रहा था मजाक उड़ा रहे थे चीजों को लेके। तो मैं ऑब्वियसली उस पे, मैं तो तेरे सामने तेरा मजाक उड़ाया, और फिर मुझे बोल रहे हो कि तेरा प्रोवोक करने की वजह से वो गया है उस टाइम। हां लगा, उसको भी लगा, सबको लगा। तो यही आज एग्जांपल मिल गया। तो ये सच भी यही है। वो जब गया ना, वो जब गया तब तूने मेरे को रोते हुए नहीं देखा होगा, मैं अपसेट था, बट मैंने यही चीज उससे जाने के बाद करी कि वो अपनी वजह से गया है, तू रीजन है उसका, बट फाइनल मेन रीजन वो खुद है कि वो अगर रुक जाए। अली मेरे पास आके बोला, सब लोग आए, कि तुम्हारे सारे जितने छठे बटे थे सब लोग आए, इंक्लूडिंग ये तुम्हारे साईशा भी, अंजलि भी, कि वो तेरी वजह से गया है, तेरी वजह से उसका वो पूरा वो जो ड्रीम्स थे, उसके करियर थे, वो हुआ, कुछ खत्म नहीं। सब 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 आके मुझे ये बोल रहे कि तेरी वजह से हुआ। सब अपनी जगहों पे आ जाओ। मैंने इस हफ्ते देखा कि ये बात बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही थी कि मेरी पीठ पे छुरा घूम दिया, मेरी पीठ पे छुरा घूम दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया गया, पीछे से वार किया गया। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और कुछ लोगों को तो लगा कि मतलब उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, उनके अपने बहुत करीब लोगों ने उन्हें धोखा दिया है।
तो इसका मतलब कि अब हम फिनाले के जितने करीब जाते जा रहे हैं कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है और वॉर सायरन जो है वो बज चुका है। प्रचंड हो चुका है। आठवां वीकेंड है, नाइन्थ वीक शुरू हो रहा है। यस मैम। अगले हफ्ते हम होंगे सेमीफाइनल्स में और उसके बाद होगा फाइनल्स। लेकिन असली वॉरियर वो नहीं होता जो पीठ पीछे से वार करता है, असली वॉरियर वो होता है जो सामने से वार करता है, पट से हेडशॉट। यप, बिल्कुल। और ऐसा ही कोई होगा मेरे शो का विनर, सर्वशक्तिमान होगा, सर्वशक्तिमान। गॉड्स, अब क्या हो गया? आपके लिए एक शायरी सुना दूं क्या मैम? सुना। बुरा मत मानना, बस ले लेना वैसे कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें भुला पाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। अरे वाह, वाह, बहुत क्यूट शायरी बोली तुमने। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या फीलिंग्स है तुम्हारी फाइनलिस्ट होने में? मैम बहुत ही ज़्यादा आलिशान, मतलब अद्भुत अदम्य महसूस कर रहा हूँ मैं, और इतनी जद्दोजहद के बाद पहुँचा हूँ यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि घर से जब मैं, कहते हैं कि हमारे गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब मैं तन्हा नहीं दवा भी साथ चलती है, मेरी माँ जिंदा है मुझे कुछ नहीं हो सकता, हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ भी साथ चलती है, तो दुआओं के साथ यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, और आगे भी जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे वोट जिन्होंने किया है, अब बस उन्होंने उनकी वोटों की ज़रूरत नहीं है, उनकी दुआओं की ज़रूरत है, और बस जीत जाऊँगा मैं, भोलेनाथ की कृपा। मुझे मैंने हमेशा से कहा आपकी गेम बहुत अच्छी लगी थी। यस मैम, थैंक यू मैम। अगर कोई अच्छा, आपसे अच्छा बहुत लोग खेल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यस मैम। आपसे कामयाब बहुत लोग खेल रहे होंगे, आपसे ज़्यादा पैशन से बहुत लोग खेल रहे होंगे, आपसे ज़्यादा समझदारी से बहुत लोग खेल रहे होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा ईज। यस मैम, सबको मनोरंजन देते ईज जिसको कहते हैं ना। यस मैम। एब्सोल्यूट ईज के साथ कोई नहीं खेल रहा जितनी ईज के साथ आप खेल रहे हो। यस मैम। अच्छा, तो सबके पुतले एस्टेब्लिश हो चुके हैं। वो मेरा भी आया, तो आप देख सकते हैं कि सब योद्धाओं, अली का नहीं, अली को खुद करना है, सब योद्धाओं के पुतले यहाँ पे है। मैंने कहा मैम अली का नहीं आया, अली को खुद करना है, अली को खड़ा कर दो जाए खुद ही। हमने तो अली का नाम शो का, हमारा जितना भी टीम है उसने अली का नाम रखा हुआ है लकी अली, क्योंकि ये लकी अली यहाँ पे टिका हुआ है। मैं वही बोलता हूँ अली को कि अली तू शो पे आने से पहले कहाँ पे लिंबू बांध के आया मेरे को बता दे, तू कौन सी कहाँ पे लिंबू बांध के आया ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। झाड़े लगवाए झाड़े। देखिए योद्धाओं, अब आप देखिए कि ये जो है ये युद्ध भूमि है, और आज जो है हम पीछे से वार नहीं करेंगे, सामने से वार करेंगे। अब आपको भी असली वॉरियर्स की तरह जो योद्धा होते हैं वैसे वॉर पेंट उठा लीजिए और अपने मुंह पे लगा लीजिए, और हर कैदी के पुतले लगे हुए हैं, तलवार उठाइए, और जिसको आप अपना सबसे बड़ा कंपटीशन मानते हैं, अगर वो आपके साथ युद्ध भूमि में होते तो आप उनको किस तरह से स्टैप करते, किस तरह से तलवार से उन पर वार करते, वो आप दिखाइए अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिशन को। सैश आप आ जाइए पहले, वॉर पेंट लगा लीजिए अपने चेहरे पे, अब तलवार लीजिए और स्टैप दैट पर्सन इन एनी वे आई वांट, एनी वे। ओके, तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट दिस वुमन इज अ फ्रंट रनर, बट आई फील दैट अंजलि ने लास्ट वीक जो करतब किए हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और मैंने उसे ये भी बताया था कि लास्ट थ्री वीक्स में वो बहुत अच्छा खेल रही है, बट आई फील कि उसको स्ट्रैटेजी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, रैंडमली कुछ करना नहीं चाहिए, बट आई फील शी इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो अंजलि देवी जी, मैं आपको Oh my God, face पे नहीं। हाँ अंजलि, yes,
मैम अगर बात स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की है तो मुनव्वर मैं इसको अपना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी मानती हूँ, दोस्त है पर कंपटीशन की बात है तो वो है। उल्टा तलवार मत पकड़ो, सीधा तलवार पकड़ो। हाँ कैसे? हाँ ऐसे। ओके फाइन। और हाथ को मत रखना। मैं हेल्प कर दूँ? हाँ प्लीज। गुदगुदी मत नहीं जा। दोनों मिलके लगा दे, रियल वाले को भी घुसाई देते हैं। मुझे लगता है इसमें भी छह लोगों की हेल्प लगेगी। शायद फिनाले रेस से बाद में नहीं करेंगे। एकदम जोर से घुसा दे। हो गया मैम। बस आ जाओ। मुनव्वर ये देखो, ये हुआ असली लुक। यस तो रेडी है? वॉर तो चालू हो गई थी पहले दिन से ही, और कंपटीशन की बात है तो प्रिंस भाई बहुत डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, बट मुझे पता है कि 13 दिन में क्या ही कर लेगा ये। इनको इनके तो यही तो वहम उतारना है मुझे। हाँ मतलब वहम में जी लूंगा, एक आधा वहम भी जरूरी है जिंदगी जीने का वास्ते। तो ऑब्वियसली मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और क्या स्ट्रांग आदमी है। मैं तो मेरी तो फटी पड़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करो भेज दो हमको भारी, बट प्रिंस भाई को नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं इन लोगों के साथ खेलता आया हूँ, इन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करता आया हूँ। तो डेफिनेटली चौथे वीक से मैं पायल को कह रहा हूँ, 2-3 चीज़ें उसने ऐसी करी थी कि मैं जब उसके बाद उसके पास गया और मैंने पायल को कहा, पायल तुम हो फाइनलिस्ट, मुझे लगता है तुमने अपनी फाइनल तक की बुकिंग कर दी है ये मूव करके। तो मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि पायल फाइनल में आएगी ज़रूर, और मुझे लगता है वो कॉम्पिटिशन है फिनाले के लिए। तो पायल ठीक है, वो अटकाना था इसलिए। पूनम Nice. हाँ मैं अपना कंपटीशन अंजू को मानती हूँ, बहुत अच्छा खेल रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा वो मैंने भी यूज़ किया है, पीठ पीछे वार करना। तो हमेशा हमने एक थाली में साथ में खाया है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की मेरे साथ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट अंजलि से नहीं। अच्छा गेम है बट या You could do it on my face, so yeah, that's for you. I need somebody's help. Ja, Ali. Ali, yeah, to kar diya. Please help. Mere liye bhi. Side mein dal. Yeah. अरे वो पीछे मेरा पर बाहर उसके पीछे ना उसके पीछे सपोर्ट Ali. मुझे लगता है मुनावर इसलिए क्योंकि मुनावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं मुझे ये भी लगता है कि मुनावर के जो इमोशंस है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। बड़ा एक्सट्रीमिस्ट बंदा है वो, अगर उसके हिसाब से चीज़ें ना जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उस इंसान को गलत प्रूफ करने के लिए। आई थिंक ही शुड ऑलवेज हैव अ गुड, ही शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, पार्ट ऑफ हैविंग अ गुड ओपिनियन। तो ये तो सेम कॉम्प्लीमेंट मिल गया मेरे को, सेम कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है? नहीं वो थॉट है ही, अच्छा, मैंने ऑलरेडी अंजलि से शेयर किया था। आसमा तूने मुझे नहीं बताया। ओह मेरा फ्रूस तलवार नहीं पकड़ पाई। आसमा कहेगी तलवार छोटी दे देते हैं। आसमा कहाँ तलवार मारेंगे, उससे मेरे को डर लग रहा है। That was also double meaning. लेकिन वो पिछले हफ्ते बेचारा बस रो रहा था, उसके जितने सारे बकरे उसने पाले थे सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, सारे छूट गए, तो हम मुनव्वर फारूकी के दुख को समझते हुए हम ये वार करेंगे। प्रिंस नरुला पे पता है आपने मेरे दिल पे वार किया है, लेकिन मैं आप पे वार करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रिंस नरुला ने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं, लेकिन ये वाला मैं आपको जीतने नहीं दूंगी प्रिंस नरुला। yes. अरे थोड़ा सा ऊपर मार दो, अरे ऊपर मार, मैं इसे तो घुस जाए। मुझे असली में लगा बेटा, मार मार ना।
ओके पायल ऑर्गेनिक है ना कलर ऑर्गेनिक है ना सबको पता है कि मुनव्वर और मेरी नोक झोक चलती आई है शो के अंदर मगर आई बिलीव इन कंपीटिंग विद द बेस्ट एंड फॉर मी प्रिंस नरूला इज द बेस्ट ही इज द विनर ऑफ 5 रियलिटी शोज तो अगर मुझे बेस्ट के साथ कंपीट करना है और बेस्ट के साथ कंपीट करके मैं ये शो जीतती हूँ देन दैट इज वॉट पायल रोहतगी इज मेड अप ऑफ शी प्लेस टू विन शी कैन नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वैन शी जस्ट स्टेप्स इन टू द जेल बट वंस शी इज इन द जेल शी गिव्स इट 120% एंड प्रिंस नरूला द विनर ऑफ 5 रियलिटी शोज वो मेरा कंपटीशन है क्योंकि उसके साथ मैं कोई भी टॉपिक पे डिबेट कर सकती हूँ वो मेरी डिबेट को लॉजिकली अटैक करता है और मैं लॉजिकली अटैक कर सकती हूँ वो टास्क में भी स्ट्रांग है जो अच्छी बात है वो ऑब्वियसली शोज में रह चुका है सो ही इज माय कंपटीशन बिकॉज ही इज द वन आई वांट टू बीट नाउ आफ्टर हिज एंट्री मुनव्वर सॉरी माय एनिमी हैज चेंज्ड ठीक है That's good. One should always compete with the one they look up to. मेरा कंपटीशन भी प्रिंस नरूला सर है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जैसे कि मैं फर्स्ट डे से कहता आया हूँ कि हम लोग पहले हफ्ते से यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं जद्दोजहद के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं पर सातवें हफ्ते में आगे कोई ट्रॉफी ले जाने की कोशिश करे तो ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा और कंपीट करना है बेस्ट के साथ करना है 5 रियलिटी शो के विनर हैं और इस शो का तो विनर मैं ही हूँ तो मिलते हैं मैदान जंग में जय शंभू प्रिंस अब आपकी बारी है किसे आप अपना कंपटीशन समझते हो तो मैम मैं उसको अपना कंपटीशन समझता हूँ जिसको कोई कंपटीशन समझता नहीं है बिकॉज मेरे को लगता है कि हमेशा अंडरडॉग होता है वो हमेशा आगे जाता है तो मैं आजमा को अपना कंपटीशन समझता हूँ क्योंकि जब ये वन लाइन मारती है तो इन सबके जितने मुंह में शब्द हैं वो बंद हो जाते हैं और उसे कोई फेस नहीं कर सकता तो बाकी लोग इसे कॉम्पिटिशन नहीं मानते पर मैं इसे सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मानता हूँ यहाँ का तो या आजमा थैंक यू पर मैं धीरे से ही मारूंगा रुक आजमा फल्ला फुल पावर आजमा फल्ला मचा दिया हल्ला सही बोले सही पकड़े तो जैसा हमने देखा कि प्रिंस को सबसे ज्यादा लोग अपना कंपटीशन मानते हैं थ्रेटनिंग मानते हैं और वर्दी मानते हैं लेकिन इस लॉकअप में जिसे अभी तक कोई कंपटीशन नहीं समझता वो है साइशा शिवम पूनम और अली शिवम को तो ऐसे भी फिनाले का वॉरंट मिल चुका है तो अब ये तीन लोग हैं साइशा पूनम और अली जिनको कोई भी अपना कंपटीशन नहीं समझता है जाहिर सी बात है वो लोग बिल्कुल रिडंडेंट होके अपना गेम खेल रहे हैं अब इसको भी मैं सेग्रीगेट करूंगी इन तीनों में से वो दो कौन से लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो बिल्कुल यूजलेस हैं और जेल में सबका टाइम और सबसे ज़्यादा अपना टाइम खराब कर रहे हैं साइशा ऑब्वियसली अली एंड पूनम अंजलि पूनम एंड अली ओके मुनव्वर हाँ सेम चीज़ रहेगी पूनम अली प्रिंस पूनम एंड अली पूनम नाउ दैट्स टू नेम अली एंड साइशा अली पूनम एंड साइशा आजमा अली एंड पूनम पायल पूनम इज वन नेम विच इज डेफिनेट बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने स्टैंड अपने लिए नहीं लिए बट सेकेंड नेम में आई विल गिव अली हियर बिकॉज अली ने जिशान के साथ जो गेम प्लान खेला विच वॉज अगेंस्ट कैदी विच आई एम फॉन्ड ऑफ सो अली हियर शिवम मैम पूनम एंड अली सेम दैट्स इट तो जैसा हमने देखा कि अधिकतर कैदियों को लगता है कि पूनम और अली की एंगेजमेंट जो है वो जेल में निल है फिनाले तक जाने के बिल्कुल वर्दी नहीं है
ये आप लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि आप लोग में से इन पे किसी का वार ना होना इसका मतलब यही है कि दे आर इरेलीवेंट, समझे आप? तो आप लोग इतने इरेलीवेंट हो चुके हैं जेल में, इसीलिए आप दोनों को मैं डायरेक्टली बॉटम टू में भेज दूँ। इसका मतलब अब कोई भी राउंड आपको बचा नहीं पाएगा। सो दो हफ्ते बचे हैं, गेम किसी भी तरफ अपनी करवट ले सकता है। एक चीज की गारंटी मैं आपको देती हूं, यहां से गेम इतना टफ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब दोस्ती का ताज जीतना है या लॉकअप सीजन 1 का विनर बनना है, ये आपका गेम डिसाइड करेगा। आई जस्ट से वन थिंग, अभी तक गिव अप नहीं किया तो आगे भी मत करना। यस यस यस, मेक योर गेम काउंट। यस, सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय। आपके साथ बहस नहीं कर सकती ना बातचीत कर सकती। अली मर्चेंट समझ जाओ, वो सिर्फ डफोर्ट की तरह चाय बना सकती है और पानी गर्म कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। उसको कोई भी न्यूज के ऊपर एक राय देनी आती नहीं है। तो अपना गेम ओपन करो, ये लास्ट हफ्ता है, आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। चाहे आप मुझे गटर बोलो और मैं आपको स्लीजी बोलूं, वो अलग बात है। हमें एक दूसरे के साथ वो भी गेम था यार, वो भी एक गेम था। निशान के साथ खड़े हो गए जो एक्चुअली गलत था, वो गेम आपके लिए उल्टा पड़ गया, बिकॉज वो इंसान गलत था। क्योंकि मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि ये लड़की ने माँ बहन भाई बट नॉर्मल बातचीत करी है और इसके मुंह से कभी गाली नहीं निकली। इसने एक दो बार बोला होगा वो रिटेलिएशन में, वरना ये बेसिकली गाली गलौच वाली लेडी नहीं है। पूनम गाली गलौच वाली लेडी है, ठीक है? ये गाली गलौच वाली लेडी नहीं है। अगर वो जाती है तो लगता है जो मंडे उसने इतना कुछ किया वो ही है। हां, केवी के साथ इस लॉकअप का दस्तूर है, जो जाना चाहता है उसको ये लोग रवाना कर देते हैं। और कितना सुनेंगे डिप्रेसिंग वाली बातें यार। एक ही इमोशन है, रोना। कुछ हो जाए रोते थे, गाली देती है फिर होती थी। गाली को दी, इतनी गंदी गंदी गाली मुझे दे दी भाई। क्या मत, क्या किया मैंने, क्या बिगाड़ा? नहीं मैम, आई इग्नोर्ड हर। मैं तो पता था वो पर्पसली कर रही है, उसे तो पानी मुझे कुछ भी हो रही थी, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहां से सुनता हूं, कहां से निकाल देता हूं। मेरे अंदर शक्ति है, दैवी शक्ति से लैस हूं मैं। अब ये ना दिन में ढंग से जाग पाएंगे और ना रात को ठीक से सो पाएंगे। अब कम्फर्ट जोन जाएगा भाड़ में और अब ये सब दिखाएंगे अपना बेस्ट गेम, फिजिकली और मेंटली। अब जिसे जीतना है वो एक कदम नहीं 10 कदम आगे का सोचेगा। मे द मोस्ट बैडएस कैदी विंस। सी यू टुमॉरो।